पूरा का पूरा घर संभाला हुआ है, तो ये मेरे मदर इन लॉ ऐसी हो तो संभालना पड़ता, मजबूरी में संभालना पड़ता। हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। तो मैं स्कूल से घर पहुंच गई हूँ और अभी आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना जो मीट माई फैमिली ब्लॉग था उसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत दिन हो गए, मैंने आपको बताया था कि एप्पल सीजन में बिजी होने की वजह से ना वो ब्लॉग ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली आज मैं कोशिश करूंगी सभी लोगों को आपसे मिलवाने की। दादी और बुआ को आई थिंक मैंने मिला दिया था, अभी मम्मी पापा निकुंज और बिनु भैया रह गए हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को, और इधर है मेरे साथ नायशा। ये जी हमारी फैमिली की मेन की तरह किरदार एक तरह से बोलेंगे, क्योंकि मम्मी ने पूरा का पूरा घर संभाला हुआ है, तो ये मेरे मदर इन लॉ ऐसी हो तो संभालना पड़ता, मजबूरी में संभालना पड़ता। कई बार अगर मैं कहूँ ना कि मेरे पूरा YouTube का जो श्रेय है ना वो मम्मी को ही जाता है, क्योंकि देखिए YouTube के लिए मेरे को जरूरत है टाइम की और नायशा भी मेरे पास होती है, तो देखिए बच्चे भी संभालना, मेरे को टाइम भी देना, तो मम्मी की वजह से सब कुछ पॉसिबल है। तो मम्मी को पूछते हैं कैसा लगता है आपको? बिल अपटा रही है मम्मी, आपको खुश कर रही है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो बातें हो रही है जी स्क्रिप्टेड है सारी, देखो मैं कैमरे के पीछे बताना चाहूंगा। अंकित बिल्कुल झूठ बोल रहे, स्क्रिप्टेड नहीं है। तो क्या बोलती हूँ आपको, मम्मी ना मेरी सारी वीडियो मासियों को भेजते हैं, जितनी भी मेरी मासी सबको शेयर करते हैं कि देखो वीडियो, मम्मी का फुल सपोर्ट है, मम्मी सपोर्ट करते हैं, तभी मेरे को टाइम मिलता है, तभी मैं वीडियोस बना पाती हूँ, क्योंकि 10 से 4 तो मैं वैसे ही स्कूल में रहती हूँ, उसके बाद आके आपको पता है कितना टाइम बच जाता है, और उसमें बच्चा भी घर भी, तो अगर मम्मी की सपोर्ट नहीं होगी तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। हम तो छोले बेचना है यहाँ पर। पकड़ा बना कैमरा, नहीं सॉरी यार, बस अंकित भी नविश ले बेटा कैमरा, इस फोन को ले जाओ नीचे फेंक दे, ले जाओ इस फोन को नीचे फेंक दे, बेला खुश करिए। हस्बैंड होते हैं मैक्सिमम टाइम सपोर्टिव होते हैं, पर सासू मां बहुत कम टाइम सपोर्टिव होते हैं, ये मत एक्सेप्शन नहीं है, सबसे बड़ा वो तो पति का होता है। नहीं अंकित का भी कर, अब चिकदान नहीं अंकित का भी है। चलो ठीक है, धन्यवाद आपने ये ब्लॉग मेरे को बनाने दिया, बीच में इतनी कमेंट्री, आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं तो अमित थैंक यू, सच में धन्यवाद, और साथ में आशीर्वाद अपने ऐसे बनाए रखना। अरे मजा लो बिंदे ये अंकित लो चले फिर तो यो जी हो गया जी ओके। गप्पो के चक्कर में खींचा है, भूल गई है मम्मी तो सारे पति का छीने चले, मेरी पैरिस नहीं सुना चाहती, समझ जा मम्मी का मतलब मेरे बेटे ने साथ किया हुआ है। तो इसके बाद मैं आपको मिलाऊंगी निकुंज से, जो कि थोड़ी देर में ऑफिस से आने वाले हैं, एंड निकुंज के बारे में भी ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि छोटी कौन है, वो क्या करते हैं, और छोटी आपकी ननद लगती है क्या, तो थोड़ी देर में मैं आपको उनसे मिलाऊंगी और फिर सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी मैं आपके बस 2 मिनट्स लूंगी। तो यार मैंने ना अभी क्योर स्किन का अपने हेयर के लिए ट्रीटमेंट किट ऑर्डर करा है, क्योंकि मुझे ना डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो गई थी बालों में, एंड मैं काफी टाइम से लेकर क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, सभी लोगों को पता होगा क्योंकि मैंने काफी सारे ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार हेयर के लिए भी क्योर स्किन से ही ऑर्डर करूँ अपने लिए प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे ना डैंड्रफ की काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। एक तो आपको पता है कि आजकल हमारे यहाँ पे मॉनसून में ना ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से बाल चिपचिपे से रहने लगते हैं, और इसी वजह से शायद मुझे ये डैंड्रफ की दिक्कत होनी शुरू हुई थी। तो ये देखिए ये मैंने ऑर्डर करी थी, और इसमें मुझे मिला है ऑयल मिला है, जो कि मैंने यूज भी कर लिया, ये देखिए ये थोड़ा सा यूज कर दिया मैंने, इसके अलावा कंडीशनर और एक शैम्पू। तो यार क्योर स्किन एक ऐप है जहां पर कि आपको अपने स्किन से रिलेटेड और अपने हेयर से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप वहां पे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपने लिए एक कस्टमाइज्ड किट ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योर स्किन के ऊपर आपको डॉक्टर्स मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं और आपके लिए कस्टमाइज्ड किट देते हैं। वो कस्टमाइज का मतलब है कि आपके हेयर के लिए बिल्कुल अलग से, जी हाँ वो आपके प्रॉब्लम्स उसमें देखेंगे। मैं भी आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्ड में दिखा दूंगी कि किस तरह से आपको ऐप को यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड करना है, और उसके बाद आपको इसमें जाना है हेयर ट्रीटमेंट के ऊपर, और हेयर ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पहले पूछेंगे, लाइक आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है की, एंड क्या आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, आपकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ आपसे आपकी स्कैल्प की फोटोज मांगी जाएंगी, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर देनी है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस और ये जो फोटोज है इन्हीं के बेस पे आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाएगा, और उसी के बेस पे आपके लिए एक स्पेशल कस्टमाइज्ड किट तैयार की जाएगी।
होंगे, तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे डॉक्टर्स आपके लिए एक कस्टमाइज्ड किट तैयार करते हैं, यानी कि आपके लिए सबसे बेहतर। जी हाँ, तो मैंने भी ये अपने लिए ऑर्डर करी और अभी मुझे इसको यूज करते करते आई थिंक 7-8 दिन हो गए हैं और मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। मेरी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी ना, मेन प्रॉब्लम मुझे डैंड्रफ की आ रही थी, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम मेरी काफी हद तक ठीक हो रही है। तो गाइस, अगर आप लोगों को भी अपने बालों से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट लाने से बेटर है कि आप लोग डॉक्टर को कंसल्ट करके एक अपने लिए कस्टमाइज्ड किट ऑर्डर करें। और यहाँ पर एक गुड न्यूज है, अभी आप लोग मेरा जो कूपन कोड है नेहा200 वो यूज करके एक्स्ट्रा 200 रुपीज ऑफ पा सकते हैं। जी हाँ, बट ये जो ऑफर है ये फर्स्ट 500 कस्टमर्स के लिए ही होगा, तो फटाफट से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इसके साथ ही मैं कमेंट भी पिन कर दूंगी, तो फटाफट जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपकी जो भी समस्या है सबका हल पाइए। थैंक यू सो मच। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो जी, मौसम ये देखिए, सुबह से लेकर अभी तक ठीक था, बट अभी बारिश होनी शुरू हो गई और ठीक मोटी मोटी बूंदाबांदी शुरू हो रही है यहाँ पे। ये देखिए जी, ठीक है, चलिए पापा से मिलाती हूँ। तो इनसे मिलिए जी, ये हैं पापा, मेरे फादर इन लॉ, और पापा पोस्ट ऑफिस में होते थे, पोस्ट मास्टर, और अभी रिटायर हो गए। रिटायर होके बस यही काम है, ये लोग, ये तीन देखो यहाँ पर गैंग, तीन तीन को संभालने का काम है। बाकी बस पूरा का पूरा दिन यही होता है, बच्चों को संभालने की ड्यूटी, बच्चों के साथ बिजी रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसे स्कूल आती ना सुबह, तो 10 से लेकर 1 बजे तक बड़ी मुश्किल से ये बैठती कि कब 1 बजेंगे, कब दादू आएंगे। बस तो बोलेगी मम्मा दादू को बुलाओ, और अगर दादू नहीं होंगे ना, फिर किसी के साथ घर नहीं आएगी। मेरे साथ भी घर नहीं आती, बस दादू के साथ ही आना होता इसने घर। तो 1 बजे दादू आते इसको, फिर दादू के साथ आती है आराम से। क्यों आती है? इसके पीछे बहुत बड़ा राज की बात है। जो ऊपर मैं शायद, कौन सी राज की बात है वो बताओ जरा। आप क्यों जाते हो दादू के साथ हमेशा ही? मम्मा के साथ आओगे कल से आप? नहीं नहीं, पता है क्यों? क्योंकि ऊपर जो शॉप है ना, दीक्षु की दुकान, तो वहाँ से आते हुए इसको पता है कि अगर मम्मा लाएंगे साथ में, पापा लाएंगे, तो कोई चीज ही नहीं मिलेगी। अगर दादू लाएंगे तो जो बोलेंगे वो मिलेगा। तो दादू के साथ इसको इसीलिए आना होता है क्योंकि दादू किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते, और पापा की पर्सनैलिटी ऐसी है कि मतलब गाँव के बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सभी लोग मतलब पापा के साथ बहुत ही लगाव है पापा के साथ सभी लोगों का। इसके बाद मैं आपको मिलाऊंगी मम्मी से, जो कि अभी किचन में। का मौसम ना बिल्कुल अनसर्टेन है, बिल्कुल अंकित की तरह, जैसे अंकित बदल जाते हैं मौसम की तरह, वैसे ही शिमला का मौसम बदल जाता है अंकित की तरह। ये देखिए, अभी मतलब 2 मिनट तक ना इतनी जोर जोर से बूंदाबांदी हो रही थी, धम 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 धम, पूरे मतलब छत के ऊपर से आवाजें आ रही थी, और अभी देखो मौसम। मैं तो कभी नहीं, धम धम धम। नहीं नहीं, आप ऐसे बदलते हैं, सुबह कुछ और बोलते, शाम को कुछ और बोलते। जोड़ी बच्ची हो क्या? तो जी आई होप कि हम दोनों अभी दिख रहे हैं। तो जी, ये है छोटी निकुंज। एक्चुअली छोटी ना इनका निकनेम, इनके मायके से इनका नाम छोटी है। हम लोगों ने यहाँ पे छोटी बहू के उससे नहीं रखा। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि छोटी बहू के उससे हम निकुंज को छोटी बोलते हैं, बट एक्चुअली इनका निकनेम मायके से ही छोटी है, क्योंकि ये मंजिली बहन है, आपने छोटी बहन है। छोटी थी कभी? हाँ, कभी छोटे थे, क्योंकि इनकी जो छोटी बहन है ना, वो इनसे 7-8 साल छोटी है, तो 7-8 साल तक ये दो बहनों में से छोटी थी, तो इनका नाम छोटी बढ़ गया है। सो निकुंज मेरी देवरानी है, ठीक है। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आपके ननद निकुंज को, तो यार ये मेरे देवरानी है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही नाइस इनोसेंट गर्ल है, और लोग इनको ब्लॉग्स में देखना बहुत पसंद करते हैं। वैसे ही कैमरा शायद थोड़े नहीं आते कैमरा में ज्यादा, बट फिर भी मैं जबरदस्ती करके इनको लाई देती हूँ। तो मैं नहीं छोड़ी यार, क्या बात है भाभी, क्यूट मत डालो, क्यों नहीं डालो? जब आप क्यूट है तो क्यूट डालो, क्यूट रखेंगे, क्यूट नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, बताओ आप लोग, बताओ। और ये देखिए, ये है माय डियर हस्बैंड मिस्टर अंकित, जो मेरे सारे ब्लॉग में, जो मेरे सारे ब्लॉग्स को खराब करते रहते हैं, और अभी सेब भर के ऊपर आ रहे हैं। इनको तो सभी लोग जानते हैं, मिलाने की जरूरत है नहीं। बिनु भाई नीचे नहीं, तो भी है नहीं। और बिनु भाई को भी वैसे सभी लोग जानते हैं। तो शाम को सभी लोग बैठे हुए हैं, और इधर है बिनु भैया, जिनको ये सारे बच्चे बहुत तंग करते हैं, सबसे ज्यादा तंग बिनु भाई को करते हैं ये तीनों। नायशा
सो गाइस ये है मेरी प्यारी सी और स्वीट सी फैमिली, जिन लोगों की सपोर्ट की वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो यार पता क्या, जब मेरी शादी हुई थी ना तो सभी लोग बोलते थे कुल्लू में कि बहुत दूर शादी करी है, बहुत दूर शादी करी है, क्योंकि कुल्लू वाले ना थोड़ा होते हैं अपने कल्चर में ही मैरिज करना प्रेफर करते हैं। हर जगह पर यही होता है, सभी लोग अपने कल्चर में शादियाँ करना प्रेफर करते हैं। तो मुझे सभी लोग बोलते थे कि दूर है दूर है, बट अभी मैं सोचती हूँ आज के दिन में शायद वो लोग भी सोचते होंगे जो बोलते थे कि वर्थ है इतनी अच्छी फैमिली, इतनी प्यारी फैमिली मिलना हर किसी के नसीब में नहीं होता। मैं थैंकफुल हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली। अंकित तो है ही बहुत अच्छे, और अंकित के साथ तो वैसे भी पता है आप लोगों को लव मैरिज है हमारी। अंकित को मैं काफ़ी पहले से जानती थी, तो फैमिली भी अंकित की बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सपोर्टिव है। सो मेरा जो ब्लॉगिंग है, सक्सेसफुल ब्लॉगिंग का मेरा जो श्रेय है वो सभी लोगों को जाता है, मेरी पूरी फैमिली को जाता है, मेरी कुल्लू वाली फैमिली को जाता है, फ्रेंड्स को जाता है, मेरी ऑडियंस को जाता है, सभी लोगों को जाता है। बट यहाँ पे मम्मी का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सास बहू का रिश्ता होता है ना, वो मतलब एक पॉजिटिव होना और उसमें तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी पूरे घर में वाइब्स पॉजिटिव ही रहती है। सो मम्मी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और मतलब बिल्कुल मेरे को निकुंज को अपनी बेटी की तरह रखते हैं। मम्मी देखा ही होगा आप लोगों ने यार, इतना हम लोग घूमते हैं इधर उधर जाते रहते हैं, इतना मतलब फ्री रखा हम लोगों को घर से। सो आई एम ब्लेस्ड एंड यस, अंकित का सपोर्ट तो डेफिनेटली है ही है। मैं और अंकित हम दोनों में तो कोई फर्क है नहीं, वैसे भी मेरा और अंकित का तो मतलब इक्वल टू है दोनों का। दैट्स ऑल, आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल नोटिफिकेशन ऑन। एंड यस, आज के ब्लॉग का जो लाइक है वो मेरी फैमिली के नाम पर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय एंड टेक केयर।